अब किसी ने लोन है 18% GST लगती शिक्षा पे, वो किस कारण लग रही है? वो उससे तो कम करना चाहिए ना। एक एक जन की आवाज उसमें होती है, विधानसभा में जाके जो गूंजती है। 5 वर्ष सर बहुत होते हैं, आप बदलाव लाने के। मुझे सर विधायक जी तो 3 दिन बाद मिलेंगे, उससे पहले बहुत लोगों की सिफारिशें करनी पड़ जाएंगी। हमारे नेता जी टाइगर है, आंखों में से लेजर निकल रहा है, कलेक्टर को फटकार लगा दी, अस्पताल सीएम नहीं सर। आधे से ज्यादा संसद में देखो या विधानसभा में देखो, आधे से ज्यादा अनपढ़ है। कैसा राजतंत्र होना चाहिए, कैसी राजनीति होनी? पर नेताजी फॉर्च्यूनर में आएंगे टाइम को कम करने के लिए, क्यों सर हमें राजनेता से मिलना है, तब हमें भी क्या फॉर्च्यूनर की जरूरत पड़ेगी क्या? तो आप शिक्षा के साथ साथ उन्हें नौकरी भी तो दीजिए, और गारंटी वारंटी नहीं चाहिए, हमें साक्षात्कार चाहिए कि हमारे नौकरी मिली है हमें फाइनली। नेता आएगा वो आपको दिशा निर्देश देगा उसके जीएसटी करने के लिए। आज तरह की जो शासन व्यवस्था हो गई है या पूरा सिनेरियो हो गया है, उसमें कहीं ना कहीं आज के वर्तमान में शिक्षक भी ये महसूस करता है कि शायद मैं राजनेता होता तो ठीक रहता, और आप राजनेता शिक्षक बनना चाहते। जैसे कि राजनीति विज्ञान हमको मोटे मोटे तौर पर ये सिखाती है कि राजनीति को उसूलों के साथ करना चाहिए, उसूलों के साथ राजनीति नहीं। देखिए चुनाव की सरगर्मियों के बीच में हम नई नई जगह, रोचक रोचक जगह पर जा रहे हैं, आपको जानकारियों से रूबरू करवा रहे हैं। राजनीति हमारा विषय हो, राजनीति विषय को अगर समझना है, उसको इत्मीनान से जानना है, तो हमें राजनीति की पढ़ाई और राजनीति के पहलू को समझना बहुत ज़रूरी है। और हम इसी पहलू और इसी विषय को समझने के लिए हम आए हैं मोहनलाल सुकड़िया विश्वविद्यालय। ये वो मंदिर है जहाँ पर शिक्षा और राजनीति से जुड़े हुए बहुत सारे धुरंधर यहाँ से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं और बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी सूची है, मैं आगे बताऊंगा कि यहाँ से कौन राजनीति सीख कर निकले हैं। लेकिन अभी हमारे साथ में वो स्टूडेंट हैं, वो विद्यार्थी हैं जो राजनीति की पढ़ाई अभी हाल ही में कर रहे हैं और पहली बार वोट देने जाएंगे। उनका एक्सपीरियंस क्या है राजनीति में, उन्होंने क्या सीखा है, राजनीति कैसे 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 उसको आगे बढ़ा रही है, उस सारी चीज़ों का तमाम सवालों के साथ में एक सवाल मेरा ये है कि राजनीति मैं क्या नयापन होना चाहिए, कैसा राजनेता होना चाहिए, इस विषय पर हम बात करने के लिए आज हमारे साथ में पूरी स्टूडेंट टीम हमारे साथ में मौजूद है। मैं चाहूँगा कि आप आएँ और हमारे साथ में वार्ता शुरू करें। देखिए MLSU का ये पूरा कैंपस है, ये पूरा परिसर है, हम यहाँ राजनीति की बातें करने के लिए आए हैं, राजनीति को समझने के लिए आए हैं, उन बच्चों के साथ में आए हैं जो राजनीति को समझ रहे हैं, इनकी मुखर आवाज़ को हम हमारे चैनल के माध्यम से आगे पहुँचाने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले तो आपका परिचय बताएं। मेरा नाम केसर वशिष्ठ है और मैं BA इंग्लिश ऑनर्स की तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ और राजनीति विज्ञान भी मेरा विषय है। आप बताएं। मेरा नाम हर्षिता पुष्करणा है और मैं राजनीतिक विज्ञान की ही छात्रा हूँ। आप बताएं। मेरा नाम नंदिता जोशी है, मैं BA थर्ड ईयर की छात्रा हूँ और मेरे विषय इंग्लिश और राजनीतिक। मेरा नाम अनुराधा वैरागी है और मैं BA तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ और मेरा राजनीति विज्ञान ऑनर्स। मेरा नाम अजय नागदा है और मैं BA थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा एक सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स। मेरा नाम जानवी चौहान है और मैं अब BA फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। कौन विषय कौन सा विषय? तो सर वो मेरा नहीं है, राजनीति नहीं, हिस्ट्री। मेरा नाम कालू सिंह राव है, मैं BA थर्ड ईयर का विद्यार्थी हूँ और इंग्लिश मेरी सब्जेक्ट है। विषय कौन सा? इंग्लिश हिस्ट्री। हिस्ट्री। मेरा नाम महेंद्र बुनकर है और मैं BA थर्ड ईयर का छात्र हूँ और मेरी सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर है। ये इनका विषय है, कुल मिला के मोटे मोटे तौर पर राजनीति के जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट। कैसा राजनेता होना चाहिए, हमारे देश में क्या आप कमी महसूस कर रहे हैं, किस तरह की राजनेता की बात अगर अपन यूँ कर सकते हैं कि जैसे कोई स्टूडेंट के लिए अगर वो कोई बात करे और बेरोजगारी को कम करने की बात करे, तो हमें कुछ ऐसे राजनेता चाहिए जो जॉब की गारंटी देते हो। पढ़ने के बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलती है तो फिर वो सत्ता उस स्टूडेंट के लिए किसी काम की नहीं बन सकती है। सारी सरकारें यही तो गारंटी दे रही, योजनाओं की गारंटी दे रही, उनको लाभ देने की गारंटी दे रही, तो सारी गारंटियाँ दे तो रही है, स्टूडेंट तक पहुँचनी चाहिए। अधिकतर बार पहुँच नहीं पाती है या फिर स्टूडेंट को कोई ज्ञान नहीं होता है, तो जो सरकार अगर स्टूडेंट को जागरूक करने की बात कर रही है तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छी सरकार है। तो एक कुल मिला के मैं चाहता हूँ कि एक पॉलिटिकल का स्टूडेंट होने के नाते कि स्टूडेंट के लिए जो काम करती है वो गवर्नमेंट बेस्ट मानी जाती है, मेरा ये विचार है। क्या क्या आपको कमियाँ नज़र आती है कि उस पर काम होना चाहिए अभी जो आप फेस करते हैं? सारी चीज़ों कमियाँ जैसे अब किसी ने लोन है 18% GST लगती शिक्षा पे, वो किस कारण लग रही है?
वो उससे तो कम करना चाहिए ना, मोबाइलों पर या फिर दूसरे इलेक्ट्रिक उपकरणों पर अगर कम जीएसटी है, शिक्षा पर इतनी जीएसटी क्यों? तो मैं मानता हूँ शिक्षा पर जीएसटी कम होनी चाहिए। कई सारे गरीब स्टूडेंट ऐसे हैं, गरीब परिवार के, जो पढ़ नहीं पाते, आगे पढ़ाई नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट को जीएसटी शिक्षा पर कम करनी चाहिए। तभी क्या है कि अगर जो शिक्षा के नाम मामले में हमारा देश आगे बढ़ सकता है। हमारा देश में कितने स्त्री शासन व्यवस्था की, जो हमारा संविधान है वो कितने स्त्री संविधान कहता है कि कितना स्त्री शासन व्यवस्था होनी चाहिए? सर हमारे देश में त्रिकोणीय व्यवस्था चलती है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। और विधायिका ही एक ऐसा जरिया है जिससे आप जनता से सबसे करीब तरीके से आप जाके जुड़ सकते हैं। जो भी आगामी जैसे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, बात हो राजनेताओं की, तो सर हमें जो राजनेताओं की जर्नी पर आप गौर करें तो ये जन सेवक से स्टार्ट होता है और जनप्रतिनिधि तक पहुँच जाता है सफर। जनता के लिए क्या होता है, सिर्फ रेवड़ियाँ नहीं, हमको जन सहायक चाहिए। जो जनता की जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसको एक इंसान को हासिल करने में हमें एक मजबूती प्रदान करने वाला चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज नेताजी घरों में चले जाते हैं बिकॉज इलेक्शन टाइम है, रील और रियलिटी में सर बहुत अंतर है। तो आप जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपकी विधानसभा से आपसे कोई व्यक्ति एक बार जुड़ा तो उसको बीच में मध्यस्थ लोगों की जरूरत कहाँ आन पड़ी। आप प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में आपको लोग भेज रहे हैं, अपने एक मत से भेज रहे हैं। विधायक सर अकेला नहीं चलता, उसकी जो अगर आप देखें ना, अदृश्य रूप से भी आपको दिखाई देगा, उम्मीदों से लदा हुआ रहता है। एक एक जन की आवाज उसमें होती है, विधानसभा में जाके जो गूंजती है। पांच वर्ष सर बहुत होते हैं आप बदलाव लाने के लिए। क्या क्या बदलाव लाना चाहते हैं सर? बदलाव सबसे पहले यूथ से होना चाहिए, युवा बेरोजगारी कम की जाए, गारंटी सब दे रहे हैं मगर धरातल से जब योजना जमीन पर आ रही है तो वो लागू क्या वैसे हो पा रही है जो उसकी जरूरत है या हमारी उम्मीदें हैं? लोकतंत्र ने आज हमको ये ताकत प्रदान की है कि आज हम जैसे हम सब फर्स्ट वोटर यूनिवर्सिटी के अंदर, हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और संभाग की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है मोहनलाल सुखाड़िया, हम फर्स्ट हैं। तो हमारे अंदर एक उत्साह से ज़्यादा एक ही प्रश्न क्यों है कि हम यार एक वो क्लियरिटी नहीं आ पा रही कि हमें इसे वोट देना ही है, क्योंकि योजनाएं तो सब एक से एक बढ़कर एक है। हम कुछ खरीदने थोड़ी आए सर, एक ये अच्छा है, ये इससे भी अच्छा है। आपके मन में वोट देने को लेकर भी संशय है? बिल्कुल सर संशय है। और सबसे बड़ी बात वोट से आपने सही कहा, नोटा बटन, इसको इग्नोर क्यों किया जा रहा है? आप दर बदर चुनाव दे रहे हैं, नोटा में बढ़ोतरी क्यों हो रही है? अच्छी से अच्छी पार्टियां आ रही हैं, अपनी अपनी चुनावी योजनाएं बता रही हैं, उसके बाद भी नोटा असर क्यों बढ़ रहा है? नोटा तो खत्म हो जाना चाहिए। मतलब एक आदमी बूथ तक जा रहा है अपना समय धन खर्च करके, फिर भी नोटा दबा के आ रहा है, ये तो राजनीति के लिए बुरी बात है ना सर। राजनेता को समझना होगा कैसा राजनेता होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस पढ़कर या विषय पढ़कर आपको क्या लगता है कैसा एक राजनेता, जब मोटे मोटे तौर पर तो उभर कर आ जाता है ना, इतने कितने साल होते हो गए सर? जन सहायक चाहिए हमको, वही एक बात कि रोटी कपड़ा मकान हम जो भी कर रहा है उसमें हमको आपका साथ चाहिए राजनेताओं का। बदलाव क्या चाहिए, किस तरह का राजनेता, क्या किस तरह का बदलाव होना चाहिए? बदलाव सर एजुकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी हो जानी चाहिए, यूथों में तो एजुकेशन कंपलसरी कर देना चाहिए। जब कंपलसरी होगा, और सर आज हमारा लोकतंत्र कमजोर क्यों है? नेताजी विधायक जी सर फॉर्च्यूनर में चलने वाले विधायक जी नहीं होते हैं। नेताजी मतलब जो नेतृत्व सबका अच्छे से करना जानता हो, छोटे से लेके कलेक्टर तक सबके साथ एक जबरदस्त तालमेल होना चाहिए अफसरशाही के साथ। वो कहते हैं कि भाई कि हम फॉर्च्यूनर और ये गाड़ियां इसलिए रखते हैं कि समय की बचत हो, हम अधिक से अधिक लोगों से मिल सकें, मुलाकात कर सकें। लेकिन मुलाकात करने के लिए जैसे अगर मैं किसी विधायक के पास आज गई, मुझे सर विधायक जी तो 3 दिन बाद मिलेंगे, उससे पहले बहुत लोगों की सिफारिशें करनी पड़ जाएंगी। ये अपना लोकतंत्र इतना कमजोर क्यों है? आप ब्रिटेन में जाइए, जब कोविड की टीकाकरण हुआ सर, प्रधानमंत्री ने लाइन में लग के अपना टीकाकरण कराया, यहाँ पे विधायक जी आया अस्पताल ही खाली हो जाता है। ये तो नहीं होना चाहिए। डॉक्टर के ऊपर इतना प्रेशर ना जाता है, एमएलए साहब आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब ही भूल जाते हैं कि मेरी असली नॉलेज क्या है। ऐसा होना चाहिए, विधायक जी आ रहे हैं, मैं हूँ, आप देखते हैं कि सर मेरी ये समस्या है, और समस्या सर ऑन द स्पॉट हो गई। आजकल सोशल मीडिया का तो सर दुरुपयोग हो रहा है मेरी नजर में। रील्स वील्स जैसे नेताजी को बना रहे, वो विधायक नहीं होते सर की आंखों में से लेजर निकल रहा है, इसको फटकार लगा दी, इसको फटकार लगा दी। एक विनम्र, हमें कॉन्फिडेंस इसलिए होना चाहिए कि जो कोई नहीं सुन रहा ना, हमारे एमएलए से आगे हम कह सके, हमारे विधानसभा, हमारे स्थान क्षेत्र का मुखिया, हमको वो चाहिए सर। वो सफेद धोती कुर्ता में हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि जिसके पास रील में टाइगर बताया जा रहा है। हाँ सर, ये बहुत गलत है, ये गलत है। हमारे नेताजी टाइगर है, हमारे नेताजी टाइगर है, आंखों में से लेजर निकल रहा है, कलेक्टर को फटकार लगा दी, अस्पताल सीएम एडिटिकल नहीं सर, ये नहीं चाहिए। सारी नेगेटिव अप्रोच के साथ राजनीति सर कभी सफल नहीं हो सकती, तालमेल होना चाहिए। आप बताएं किस तरह की राजनीति में क्या परिवर्तन होगा? पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एजुकेशन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम सब डिग्रियां करके बैठे हैं लेकिन नौकरी के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं है। दूसरा मुझे लगता है कि जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे साइबर क्राइम और साइबर लॉज
वो भी इतने अच्छे नहीं हो पा रहे। हर दूसरे या तीसरे दिन हमें ऐसी न्यूज़ सुनने में आती है कि किसी की फ़ोटोज़ लीक हो गई, किसी का अकाउंट हैक हो गया, लेकिन उसके ऊपर कोई अच्छे लॉज नहीं बनाए गए हैं। और मुझे ये भी लगता है कि धीरे धीरे जैसे सबके पास फ़ोन आ रहे हैं, जैसे सबके पास सोशल मीडिया पर अपडेट हो रहे हैं, तो उसका दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, उसका दुरुपयोग बहुत हो रहा है और सबके पास अवेलेबल हो रहा है बहुत जल्दी। उसमें भी मुझे लगता है कि इतना आसानी से सबको इंटरनेट नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को उसका सही से इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं आता। आपने शिक्षा की बात की, लेकिन यहाँ आप महिला शक्ति ज़्यादा है, लेकिन किसी ने भी महिला उसी पॉइंट पर आने वाली थी कि मैं जब गुजरात गई थी एक टूर्नामेंट खेलने, तो वहाँ पे मैंने वो नवरात्रा वाला टाइम चल रहा था, वहाँ पे लड़कियाँ फ्रीली रात को 1-2 बजे भी बिना किसी डर के जी रही हैं। वो मुझे मेरे राजस्थान में नहीं लगता है। फियर फ्री एनवायरनमेंट हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। और दूसरा, जब एजुकेशन पर बात हुई, तो हमारे नेता की अगर हम एजुकेशन का लेवल देखेंगे तो आधे से ज़्यादा, संसद में देखो या विधानसभा में देखो, आधे से ज़्यादा अनपढ़ है। तो हमें जब हम वोट देने जा रहे हैं तो पहले हमें उसका देखना चाहिए, उसका एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या है, वो कितना पढ़ा लिखा है। क्योंकि जब एक नेता पढ़ा लिखा होगा तभी वो एक बच्चों के लिए सोच पाएगा। अभी हमारे यहाँ सरकार में क्या हो रहा है कि एग्ज़ाम तब RPSC एग्ज़ाम तब कंडक्ट करवाए जाते हैं जब इलेक्शन का टाइम आ रहा है। अभी में देखा होगा रीट की एकदम से भर्ती आई, एग्ज़ाम हुआ और लुभाने के लिए आपके। हाँ, सिर्फ ताकि जो जिनको मिला है, जिनको नौकरी मिल गई है, वो वोट दे दें, उनकी फैमिलीज वोट दे दें। तो 5 साल नहीं, उनका लास्ट के 1-1.5 साल में काम शुरू होता है, जो कि गलत है, मुझे ऐसा लगता है। समय पे होना चाहिए। जो उनके मैनिफेस्टो में वो लिखा है उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। वो लॉयल होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, जो कि 90% नेता नहीं है। तो इसलिए मैं, जैसा मेरी सब पार्टी ने बोला, नोटा जो पॉइंट होता है उसको दबाना पड़ता है, नहीं चाहते हैं। हमें अच्छे नेता की ज़रूरत है। आप बताएं आपके हिसाब से कैसा राजतंत्र होना चाहिए, कैसी राजनीति होनी चाहिए? राजतंत्र के तो हम यही कहेंगे सर, पारदर्शी होना चाहिए ना सर। हमें कोई राजनेता नहीं, हमें हमारे तरीके से चलने वाला चाहिए। नेताजी फॉर्च्यूनर में आएंगे टाइम को कम करने के लिए, क्यों सर हमें राजनेता से मिलना है, तब हमें भी क्या फॉर्च्यूनर की ज़रूरत पड़ेगी क्या? क्यों हमारे पास हमारा टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है? जब राजनेता का समय आपको इतना महत्वपूर्ण लग रहा है, तो क्या जनता का समय इतना महत्वपूर्ण नहीं है? तो कम से कम आप अपनी फैसिलिटीज देख रहे, तो जनता को भी वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाइए ना। उनके समय का, उनका समय भी तो देखिए, उनकी भी फैमिलीज, उनके पास भी बहुत सारे वर्क हैं। सिर्फ वर्क आपके पास नहीं होता है, और वर्क उनके पास आपसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है। उन्होंने चुना इसलिए नहीं कि आप फॉर्च्यूनर में आए, उन्होंने चुना इसलिए कि आप उनकी मदद करें, आप उनका सहयोग करें, उनकी समस्याओं को दूर करें, ना कि उनकी समस्याओं को बढ़ाएं। अब जब माँ बाप बच्चों को शिक्षा के लिए भेज तो रहे, पर वो शिक्षा उनके लिए काम भी है। शिक्षा बच्चा ग्रहण कर लेगा, पर जब तक उसे नौकरी नहीं मिलेगी उसकी शिक्षा क्या काम आएगी? तो उसकी शिक्षा तो ग्रहण कर रहा है, पर उसे जब नौकरी नहीं मिल रही है, जब वो अपने परिवार की सहयोग नहीं कर पा रहा है, तो उसकी शिक्षा क्या महत्व है? तो आप शिक्षा के साथ साथ उन्हें नौकरी भी तो दीजिए, और गारंटी वारंटी नहीं चाहिए, हमें साक्षात्कार चाहिए कि हमारे नौकरी मिली है हमें फाइनली। हमें आप घोषणा तो कर रहे हो, आप अनलिमिटेड घोषणाएं कर रहे हैं, पर घोषणाओं का क्या वास्तविक रूप में उपयोग भी हो रहा है? घोषणाएं सच में हो रही है, ऐसे आप सिर्फ आपके अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए घोषणाएं कर रहे हैं? आप अनलिमिटेड घोषणाएं कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और लास्ट के टाइम में जाकर आप इतनी योजनाएं निकाल रहे हैं। क्या ये योजना आप 4 साल पहले नहीं निकाल सकते थे? 4 साल पहले भी आपका दिमाग में नहीं आया कि बच्चों की शिक्षा तो हो रही, पर उन्हें नौकरी की जरूरत है सबसे ज्यादा। बच्चा शिक्षा तभी ग्रहण करता है जब उसे जरूरत होती है, उसे ज्ञान तो मिल रहा है, पर उसे ज्ञान के साथ उसके सहयोग नहीं मिल रहा है। बहुत से किसान सुसाइड कर रहे हैं ताकि फांसी के फंदे पर इसलिए लटक रहे, क्योंकि वो अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से बिजनेसमैन दूर जा रहे हैं अपने बच्चों से, क्योंकि वो अपने बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अगर उन्हें यही सब कुछ मिलता है तो उन्हें दूर जाने की जरूरत नहीं होती परिवार से। किसान को मरने की जरूरत नहीं होती अगर उसके वो परिवार का सहयोग पूरे से करें। तो बस मैं यही चाहती हूँ राजनेता से कि आप खुद एक बार राजनीति को पूरी घोर तरीके से पढ़िए, ज्ञान उससे अर्जित करिए, उसके बाद जाकर राजनीति करिए। राजनीति कोई खिलौना नहीं है, जैसे आप योजनाओं घोषित करके आप खिलौना कर रहे हैं। एक सवाल है मेरा, अभी बहुत सारी योजनाएं आ रही है, उसमें से एक मोबाइल योजना और शिक्षा बच्चों, इन तीनों का तालमेल कहीं कहीं देखा जा रहा है क्या? बच्चों के लिए जो मोबाइल जो योजना दी गई है, या आपके लिए मोबाइल ज़रूरी है, मेरा सवाल ये। मोबाइल किनको दिया जा रहा है? मैंने देखा है कि मोबाइल केवल महिलाओं को
और लड़कियों को दिया जा रहा है, लड़के स्टूडेंट नहीं है क्या? उनको भी तो मिलना चाहिए। नहीं, मोबाइल क्यों चाहिए, मेरा सवाल ये। क्योंकि आजकल का जो डिजिटल युग है उसमें सब कुछ काम मोबाइल से, इंटरनेट से, इनसे होता है। अब मुझे लगता है कि किसी न किसी तरीके से मोबाइल की जरूरत तो पड़ती है। कोरोना टाइम में हमने देखा कि सारी क्लासें ऑनलाइन चली है, उस टाइम जो मोबाइल की व्यवस्था नहीं कर सके उनकी जो स्थिति थी कि वो जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर सके, तो उन स्थिति को देखकर गवर्नमेंट ऐसी स्कीम लाती है। लेकिन केवल स्कीम एक क्षेत्र तक सीमित ना होके बड़े क्षेत्र तक फैलनी चाहिए। जैसे अगर स्टूडेंट की बात की है तो स्टूडेंट में केवल महिलाएं या फिर लड़कियां ही नहीं आती, लड़के भी कुछ ऐसे हैं, गरीब है, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो कुछ व्यवस्था नहीं कर पाते अपने साधन वगैरह की। तो ये एजुकेशन से संबंधित एक साधन हो चुका है मोबाइल वर्तमान समय में। तो उसके आधार मुझे लगता है कि दोनों को समान रूप से देखकर इस स्कीम को निकालना चाहिए ताकि इससे लड़के और लड़कियां दोनों को फायदा हो। क्या क्या बदलाव होना चाहिए शिक्षा में, क्या बदलाव देखते हैं आप? सर, शिक्षा में बदलाव जैसे कि सर, शिक्षा एक तो गरीब बच्चों को सबों को मिलनी चाहिए, उसके साथ ही निःशुल्क शिक्षा अपने राजस्थान सरकार निकाली रही है, उसके साथ ही अभी हाल ही में मुख्यमंत्री साहब ने अंग्रेजी शिक्षा का भी किया हुआ है, तो उसके साथ ही सभी लोगों को निःशुल्क शिक्षा के साथ ही अच्छा मिलना चाहिए ताकि उसमें भी मतलब गरीबी से वो आगे बढ़ सके। अपन शिक्षा के साथ ही अपन गरीबी से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सर मानव के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान, ये तीनों की व्यवस्था की थी। तो हाल ही में सरकार, राजस्थान सरकार ने तीनों के ऊपर निःशुल्क निकाले हुए हैं। सरकार अगर आप घर बना रहे हैं तो उसके लिए आवास योजना निकाल रखी है, मुख्यमंत्री आवास योजना निकाल रखी है, शिक्षा फ्री में दे रही है और स्वास्थ्य के लिए आपको चिरंजीवी योजना दे रही है। तो इसके लिए सरकार से कहीं ना कहीं गरीबों के उन्मूलन के लिए कर रही है, जो बहुत फायदेमंद है आगे के लिए, तो इसलिए निकाली हुई है सरकार। एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? बीए बीएटम। कौन सा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल, अभी पॉलिटिकल माहौल चल रहा है, कैसा कैसा नेता चाहते हैं आप, कैसा क्या बदलाव चाहते हैं पूरी शासन व्यवस्था में, क्या बदलाव होना चाहिए या चल रही है वह ठीक है यहाँ? बदलाव तो सर इतने टाइम से देखते हैं, जितने भी नेता है एजेड है या वो लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं है, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। मैं अब प्रेफर करूंगी कि कोई यंग माइंड हो, कोई ऐसा हो जो जो जनरेशन आगे की है उनके लिए सोचे। वही घिसे पिटे आइडिया आइडियोलॉजीज़ को वो ट्रैक करते रहते हैं, वही बेकार चीज़ें जो पहले चलती चली आ रही है उन्हीं को करें, नया कुछ सोच ही नहीं। तो नया ऐसा कोई हो जो नया इनोवेशन या नया एजुकेशन को लेकर फोकस कर सके। ये मतलब आपका कहना है कि अभी वर्तमान हालातों में भी जिन दोनों पार्टियों ने जिनको टिकट दिया है वही पुराने लोग हैं। हाँ। वही पुरानी व्यवस्था नया, है, नया कुछ भी नहीं नया हुआ। ये लोग ना नए लोगों को चांसेस दे रहे हैं, नया ना नए आइडियाज को। ग्राउंड लेवल पर किस तरह का वर्क होना चाहिए तो आदमी जो क्रिएटिव व्यक्ति है या अच्छा व्यक्ति वो आगे बढ़ पाएगा। एजुकेशन मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हर जगह शिक्षा को इम्प्लीमेंट कर क्योंकि मैंने देखा है एजुकेशन के थ्रू माइंडसेट चेंज होता है। हम लोग भी पढ़ते थे इक्वालिटी ये सब चीज़ें नहीं समझते थे, पर अब धीरे धीरे बढ़ने लगे तो ये चीज़ें समझते हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे बिजनेस है, प्रॉपर्टी बिजनेस और कॉन्ट्रैक्ट। पॉलिटिकल विषय पढ़ के क्या पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं आप? नहीं, पॉलिटिकल विषय पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहूँगी, पर हाँ पॉलिटिकल सिनेरियो मैं अपने लेवल पर चेंज करना चाहूँगी। मैं बीएड कर रही हूँ, टीचर ही बनूंगी सर्टनली। पॉलिटिक्स में नहीं जाऊँगी, बट पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है ये चीज़ मैं समझ नहीं आया। वो ऐसा कहा जाता है जैसे टीचर बन जाता है, एक अनपढ़ नेता आएगा वो आपको दिशा निर्देश देगा। हाँ। उसके जीजूरी करने के लिए मतलब आज तरह की जो शासन व्यवस्था हो गई है या हाँ। पूरा सिनेरियो हो गया है उसमें कहीं कहीं आज के वर्तमान में शिक्षक भी ये महसूस करता है कि शायद मैं राजनेता होता तो ठीक रहता, और आप राजनेता शिक्षक बनना जान। सर अनपढ़ होने का एक मतलब ये नहीं है कि आप लिटरेसी और एजुकेशन में एक फ़र्क होता है। एक इंसान ग्रेजुएट भी है पर वो बेसिक चीज़ें नहीं समझता। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसी एजुकेशन और लिटरेसी का डिफरेंस हो। आपको बताऊँ मैं कि अभी यहाँ कितने बड़े बड़े शिक्षक होंगे जिन्होंने अपना जीवन शिक्षा को समर्पित किया है। मान लो यहाँ एक नेताजी आ जाए तो उन बड़े बड़े शिक्षकों को भी यहाँ पर किस तरह से उनको उन आगे पीछे घूमना पड़ता है क्या? तो यही चेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। कैसे आएगा सर? ग्राउंड लेवल से ही चेंज आता है, जैसे आपने ही बताया अभी कि ग्राउंड लेवल से धीरे धीरे जो नए आइडियाज़ हैं, जो नए जो चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनके विचार वही हैं, वो बदलने से अब तो रहे। जो नए लोग हैं उनको चांसेस दे ताकि वो चेंजेस ला सकें। राजनीति विज्ञान क्या सिखाती है मोटे मोटे तौर पर? राजनीतिक विज्ञान मोटे तौर पर यही सिखाएगी कि पॉलिटिकल साइंस है, आप आइडियोलॉजीज के थ्रू आप चेंजेस ला सकते हैं। हमने पॉलिटिकल साइंस में यही पढ़ा है कि जो पुरानी थ्योरीज है ना वो इतने टाइम में कैसे बदली,
कैसे अप्लाई और अप्लाई हुआ तो कितना उसका असर आता है, यही चीज़ें हैं बात। सर मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे कि राजनीति विज्ञान हमको मोटे मोटे तौर पर ये सिखाती है कि राजनीति को उसूलों के साथ करना चाहिए, उसूलों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ तो यहाँ के धुरंधर ने राजनीति नहीं की क्या, पर राजनीति इतनी गंदी नहीं थी सर। आज हर तौर पर नेगेटिविटी देखी जा रही है। आज आपको विधायक को किसी अफसरशाही को फटकार की जरूरत क्यों पड़ रही है, आप पॉजिटिव अप्रोच से जाइए, क्योंकि सर अफसरशाही भी जनसेवक है, आप भी जनसेवक है, जरिया ही तो अलग है। वो आप चुनाव के जरिए आए हैं, वो पढ़ लिख कर सर्विस। लेकिन आजकल हर कोई राजनेता बनना चाहता है, अफसर कोई नहीं बनना चाहता। और मैं आपको एक मोटे मोटे बड़े आंकड़े बताऊँ तो जो कर्मचारी है, जो बड़े अधिकारी है, वो इस्तीफे देकर राजनीति के फील्ड में आ रहे हैं। उनको पता है कि मलई जो है या जो व्यवस्थाएं हैं या उनका फायदा है या उनका परिवार का फायदा है, नौकरी में नहीं है, इस राजनीति में है। पर सर वे अंत में आ रहे हैं और आप उसमें आप एक चीज देखिए कि वो पहली बार में नहीं कूद रहे, शिक्षा का स्तर सर क्या होता है, प्रशासनिक अधिकारी जब शिक्षा में सर वो चरम पे जा चुके होते हैं, अपनी हाइट पे से जब वो राजनीति में उतर के आते हैं सर, दिमाग एकदम मन चुका होता है कि समस्या क्या है। आपने जब एक सिविल ऑफिसर की करियर स्टार्ट होता है, एक एसडीएम एडीएम अंडर ट्रेनिंग से लेकर वो सेक्रेटरी पद के, इस बार आपने लिस्ट देखी होगी, चुनाव में आए हैं, लेकिन नेताजी सर छात्र राजनीति में से निकल कर आए और वंशवाद बहुत चलता है अपने राजस्थान में, तो आपने इतना नहीं देखा समस्याओं को। आप कभी गली मोहल्लों में गांव ढाणियों में जाके आपने लोगों को नहीं देखा है कि किसके घर में बिजली नहीं है, आपने कागजों में पढ़ा है। और नहीं, सर हमने तो गांव गांव ढाणी ढाणी घूम के, ये चप्पल है वो घिस गए हैं सर, इतनी यात्रा की हमने, इतने लोग देखे हमने, वो भी देखे हैं, ऐसे गाँव भी देखे हैं जिनमें आज दिन तक बिजली क्या होती है वो पता ही नहीं है। जाड़ोल, कोटड़ा, जाड़ोल के इलाके, खेरवाड़ा के इलाके, जावर माइंस, ये वो इलाके हैं, यहाँ आप जाएंगे बहुत ही डीपली जाना पड़ेगा आपको सर। तो वहाँ अंदर जाते आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो बिजली जीवन है, बहुत कठिन है, कठिन। और सर आपसे मतलब मेरा आपसे नहीं था, आपसे मतलब विधायक जी या नेता जो आगामी नेता है, आप तो सर मीडिया सर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सबसे पावरफुल स्तंभ है सर। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायकपालिका तीनों सर मीडिया के नजर में होते हैं। और दूसरा सर मैं ये कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से मतदान देने जरूर जाएं, क्योंकि सर एक प्रेस से आप नेता जी या कोई भी हो ऊपर से लेकर सीधा ग्राउंड पर ला सकते हैं। अभी आपने नोटा के लिए बोला और अभी वो वोट देने जाएं और नोटा दबाएं, नोटा दबे सर कम होना चाहिए। आप जब किसी पार्टी से तो सर इसमें ही जाना चाहिए वोट, नोटा में वोट क्यों जा रहा है ये क्या मतलब। लेकिन दोनों पार्टी में वही सिचुएशन है, अब आम आदमी बेचारा फंसा हुआ है कि वो वोट किसे दे। वही सर, पर सर नोटा तो कम होना चाहिए, तो राजनीति के लिए ही एक अलग डिमेरिट वाली बात हो गई, क्योंकि सर ये भारतवर्ष किसी पार्टी का, किसी कानून का, किसी स्थायी नेता का नहीं है, किसी पॉलिसी का नहीं है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, हिंदुस्तान है, किसी के बाप का थोड़ी है सर, सभी का है। धन्यवाद। बिल्कुल, लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए, वोट जरूर दें, ये हमारे इन बच्चों की, इन विद्यार्थियों की अपील है, उसको गौर करें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय मेवा।